मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एग्जॉस्ट, जो कि इसमें लगने वाला है डिकेट बैंड पाइप के साथ। इधर आपको मिल जाएगा एग्जॉस्ट जो कि सुपर बाइक वाला है, जैसे कि आपने जी 900 या फिर S1000 वगैरह में देखा होगा वही। ये आई है फरुखाबाद से, जैसे कि आपको पता ही है कि अप्रेलिया जो है अभी दिल्ली में ही लॉन्च हुई है। ये अभी आइडल है, आइडल में जबरदस्त आप सुना देता हूँ उसमें थ्रोटल, फिर सुनाता हूँ पूरी साउंड। 1.4 समझ रहे हो ना, तो इतना है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा सस्ते के अंदर हमने काम कर दिया। और काम बैकग्राउंड में आपका अपना राज भाई, और आज आपके सामने लाया हूँ अप्रेलिया 457। और इसके अंदर जो सबसे पहला जो काम है, जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी एग्जॉस्ट की, तो इसके अंदर मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एग्जॉस्ट जो कि इसमें लगने वाला है डिकेट बैंड पाइप के साथ। पहले लुक चेकआउट कर लो गाड़ी, हम ओवरऑल खोल चुके हैं इसकी, अभी एग्जॉस्ट निकलेगा बाहर, फिर इसमें लगाएंगे हम डिकेट। आप देख लो फिलहाल जो एग्जॉस्ट है वो नीचे लगा हुआ था, इसके अंदर देखते थे आप, और अभी ये खोलेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर लगाएंगे डिकेट, और फिर उसके अंदर सुनाएंगे आपको एग्जॉस्ट की साउंड कि इसमें कौन सा एग्जॉस्ट का लगने वाला है। और साथ में इसके लीवर आउट गार्ड हो गए, फॉक्स स्लाइडर वगैरह हो गए, और इवोटेक के स्लाइडर वगैरह हो गए, और टैंक पैड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर करनी बाकी है। पहले करते हैं हम काम स्टार्ट, जो कि गाड़ी आप देख सकते हो दोनों तरफ से इसकी साइड के पैनल्स के खुल चुके हैं, इधर से भी, और गाड़ी नेक डोने के बाद ऐसा लग नहीं रही है कि 457, ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई छोटी बाइक हो, बट छोटी नहीं बड़ी बाइक है। और इसकी भी स्पेशलिटी ये है कि ये आई है फरुखाबाद से, जैसे कि आपको पता ही है कि अप्रेलिया जो है अभी दिल्ली में ही लॉन्च हुई है, अभी अदर स्टेट के अंदर लॉन्च नहीं हुई है, जिसके कारण ये आपको बाहर नहीं मिलेगी, सिर्फ दिल्ली मिलेगी। तो बंदा कहीं से भी आएगा ख़रीदना उसे दिल्ली से पड़ेगा। तो मिलाते हैं भैया से पहले, कि भैया अभी आए हैं एक्चुअली, आधा घंटे से बैठे हुए थे और मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मिल नहीं पाया, नई वीडियो स्टार्ट कर दो। तो सर पहले तो कैसे हैं आप, और ये बताइए कि आपने सवेरे कॉल करी थी मुझे शायद सर्विस कराते सर जी, तो आपको लग रहा था कि काम यहाँ पर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल लग रहा, मैं वीडियो देख के आया था, पहले भी मैंने देखा इस पर काम हुआ है, तो तभी मैं आ गया। तो आपको कैसा लग रहा था वीडियो में? वीडियो में बहुत अच्छा काम था, और अभी अभी भी हो रहा है, होने के बाद पता लगेगा सर। अब तो देखा भैया, और आए कहाँ से बता दो एक बार? फरुखाबाद यूपी से। फरुखाबाद यूपी से आए थे भैया, तो इनकी गाड़ी ओवरऑल खोल चुके हैं। तो आपको पता है जिसकी न्यू लॉन्चिंग बाइक होती है तो उनको थोड़ा सा तो होता ही है कि बेशक वीडियो में सब कुछ दिखा दिया बता दिया, बट फिर भी जाके देखने में जो करवाने में जो पता लगता है वो एक्सपीरियंस आपको पता होगा, आपने जब काम कराया, और जिन्होंने नहीं करवाया वो थोड़ा सा होता है। तो करते हैं कंप्लीट इसको, फिर एंड में भैया का रिव्यू लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। फ्रेंड्स इसके अंदर ना एग्जॉस्ट का जो मैंने बताया डिकेट बैंड पाइप, वो डिकेट बैंड पाइप फिट हो चुका है इसके अंदर। उसे फिट करने के बाद ना अब जो हम दिखाएंगे आपको, वो दिखाएंगे एग्जॉस्ट कि इसके अंदर फाइनली कौन सा लगेगा, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल साउंड सुनाते हैं। साउंड सुनाओ और आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है इसके अंदर, बाकी भैया से पूछते हैं उनको कौन सा पसंद आया, और जब पसंद कर लेते हैं फिर एंड में दिखाएंगे आपको कि फाइनली कौन सा इसके अंदर लगाया गया। तो पहले आप इंजॉय करो साउंड के साथ अप्रेलिया एग्जॉस्ट, जो कि आप लोग की डिमांड थी वो ला चुके हैं। ये देखिए, ये इसका डिकेट बैंड पाइप जो लगा चुके हैं इसके अंदर, लगा मीन्स फिट हो चुका है डिकेट बैंड पाइप। अब ये मैं नहीं बताऊँ कौन सी गाड़ी लगाया इसके अंदर, लगा दिया है, जो मेरे पास आएगा उसके लिए लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना लगे, बट ये फुल सिस्टम नहीं है डिकेट बैंड पाइप का, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। तो देखो ये है बैंड पाइप जो कि आपका इंस्टॉल हो चुका है आपका इसके अंदर, और अब इसके अंदर एग्जॉस्ट लगाकर पूरा उनकी साउंड सुना कैसे आपको पसंद आए वो जरूर बताना। एग्जॉस्ट निकाल चुके हैं हम यहाँ पर देख सकते हो, और इसके बाद ना ये दिखाने के लिए एक एंड में ये एग्जॉस्ट भी निकाला है, R1M लॉन्ग वाला है, ये भी निकाल दिया गया। पहले सुनाते हैं कि पहले ये ऑस्ट्रियन रेसिंग, इसकी सुनते हैं साउंड कैसे आने वाली है। और जितने भी है ना एग्जॉस्ट, ये सारे फर्स्ट कॉपी वाले थे, ओरिजिनल बहुत महंगा था तो इसलिए ओरिजिनल लगा रहे हैं, फर्स्ट कॉपी लगाएंगे जो भी लगाएंगे। करो स्टार्ट। अब लगाया हमने SC प्रोजेक्ट कार्बन वाला, जो कि अपने सुपर बाइक वाले, तो वही सेम है, ये भी सुपर बाइक वाला, वो भी सुपर बाइक वाला, नॉर्मल इसमें नहीं लगा रहे हैं फिलहाल, चेक करते हैं इसकी साउंड कैसे है। खतरनाक। और अब सुना रहे हैं हम आपको एक्रा पॉविक का बेसिक, देख सकते हैं ये इसके अंदर लगा दिया गया, इसके सुनते हैं साउंड कैसे आती है। साउंड है सभी की बहुत मस्त आ रही है, जिस हिसाब से बाइक है ना, मुझे लग रहा था कि शायद इसके अंदर नॉर्मल बाइक वाली साउंड आएगी, बट अल्टीमेट साउंड आ रही है। अब करते हैं नेक्स्ट।
ये एक्रोप अभी का लेटेस्ट वाला है, इसके अंदर दिखाते हैं आपको इसकी साउंड कैसी आने वाली है। सभी खतरनाक है बाबा। नेक्स्ट लगा रहे हैं इसके अंदर हम R1M, जो कि आपने देखा होगा नॉर्मल हमारी वीडियोस के अंदर वही वाला R1M है। इसकी सुनते हैं साउंड। ये हो गया पेसी, ये हो गया पेसी साउंड। कैसा लगा सर आपको ये? ठीक है। चलो ये तो कह रहे हैं ठीक है, बाकी अभी और करते हैं और कुछ सुनाते हैं। जैसे निकल चुका है ये इसका R9 का, इसकी भी सुन लेते साउंड कैसे आने वाली है। अच्छी है और निकाला है इसके अंदर, देख सकते हैं ये आपका ST का सुपर बाइक वाला, इस जाली वाला जो आपने देखा Z900 वगैरह टैनर वगैरह के अंदर, आप इसकी भी सुन लें साउंड कैसे आती है। सुनाइए सुनाओ। अब फाइनली जो सुनाने वाला वो सुना लेटेस्ट वाला R1M डीबी कलर वाला, देख सकते हैं इसके अंदर ये आपका लॉन्ग वाला जिसके अंदर मिलता है पूरा कार्बन और इसमें मिलेगा आपको डीबी कलर भी साथ में। सुनते हैं साउंड इसकी। मेरे को तो सबसे अच्छा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं अभी भैया क्या पसंद करते हैं। देखो एग्जॉस्ट तो बहुत सारे हैं, हटा दो एग्जॉस्ट तो बहुत सारे हैं, बट क्या है कुछ सिलेक्टेड होते हैं कुछ सिलेक्टेड बाइक के अंदर, देखते हैं भैया क्या पसंद करते हैं। तो फाइनली भैया कुछ समझ आया आपको? चलो भैया कह रहे हैं अभी सोचा हमने, बाकी अब कंप्लीट करते हैं इसको फिर उसका दिखाते हैं एग्जॉस्ट के साथ साथ बाकी इसमें क्या क्या लगाया गया। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि इसके अंदर वैसे तो मॉडिफिकेशन तो है ही, बट साथ में जो सबसे मेन काम है ना वो है इसके अंदर एग्जॉस्ट का, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर लगाया डीकैट सिस्टम। देखिए ज़रा ये देखो ये डीकैट बैंड पंप लगाकर इसके अंदर लगा देगा एग्जॉस्ट, क्योंकि इसका जो फुल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, अराउंड 1.4 समझ लो ना, इतना है। तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा सस्ते के अंदर हमने काम कर दिया। और साउंड ना इसकी जो आ रही है वो काफ़ी अल्टीमेट है। साउंड सुनाने से पहले वैसे तो आपने सिनेमेटिक के अंदर देख लिए होंगे थोड़ी बहुत साउंड वगैरह कैसी है कैसी नहीं है, बाकी बस सुनाऊंगा आपको बाद में, पहले देख लो इसके अंदर किया क्या क्या गया। सबसे मेन है इसके अंदर जो लगाए हैं फॉक्स लैडर इंपॉर्टेंट वाले, ये लगा देंगे इसके अंदर लेटेस्ट वैसे आपका डिस्प्ले वगैरह होती है सेफ और ये बेस प्लेट होते हैं सेफ, लुक भी काफ़ी एनहेंस हुआ था लगाने के बाद। और उसके बाद इसमें लगाए गए हैं आपके लीवर गार्ड, जो कि देख सकते हो आप ये लीवर गार्ड लगा देंगे, इससे आपका लीवर हो जाता है पूरी तरह सेफ और ब्लैक एंड कार्बन की मैचिंग है, जो कि आप देख सकते हो दोनों तरफ इधर भी सेम मिलेगा आपको, इस तरह से लीवर और हैंड दोनों हो जाते पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसका स्लाइडर्स, वैसे आपने इवोटेक्स के देखे थे बट इवोटेक के अलावा हमने इसके अंदर लगा दिए, इसके अंदर ये देख सकते हैं मीडियम वाली रेंज है जो कि इसके अंदर फिट कर देगा, बट इससे भी सेफ्टी होगी पूरी आपकी बाइक की, आपकी फेयरिंग बच जाती है, आपके पैनल बच जाते हैं, आपके टैंक और आपके खुद के लैक्स ये होते हैं, इससे पूरी तरह सेफ। इधर भी सेम मिलेगा देखने को आपको इस तरफ, देख सकते हैं लुक चेकआउट कर लो कैसे आते हैं लगने के बाद। और उसके बाद दिखाता हूँ इसमें टैंक पैड और थाई पैड, देखिए ये इसके टैंक पैड हैं जो कि लगा देगा, इससे आपका टैंक हो जाता पूरी तरह सेफ। अभी क्या था इसके अंदर एक स्क्रैच आ चुका था, लैमिनेशन करा रहा है हालांकि भैया ने पहले से ही, बट फिर भी यहाँ पर बेल्ट का निशान आ गया, तो उसके इसमें आपका टैंक पैड लगाना मैंडेटरी जो लगा देगा इसके अंदर, साथ में थाई पैड भी इसके अंदर लगा दिए गए, देख सकते हो जिससे आपका टैंक पूरा सेफ हो जाता है और लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है लगाने के बाद। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर जो सबसे मेन है वो है आपका, ये देख सकते हैं ये आपका डीकैट सिस्टम इसमें लगा दिया गया इसके अंदर, ये आपको बैंड पाइप हो गया, इधर आपको मिल जाएगा एग्जॉस्ट जो कि सुपर बाइक वाला है, जैसे कि आपने Z900 या फिर S1000 वगैरह में देखा होगा वही इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। अब सुनाता हूँ इसके आपको साउंड कि किस तरीके से इसके आने वाले फाइनली, वैसे तो आपने बाकी सिलेंडरों की आपने साउंड सुनी ही थी बट ये है थोड़ा सा डिफरेंट और साउंड भी आने लगे इसके अंदर टेनर Z900 वाली, जो कि कुछ इस तरीके से सुन लो आप, है ना गजब। ये भी आइडल है, आइडल में जबरदस्त है, सुना देता हूँ उसमें थ्रोटल फिर सुनाता हूँ पूरी साउंड। एक बार अगर जो रोड पे गाड़ी निकलेगी तो रोड पे निकलने के बाद रोड पर बंदे देखेंगे जरूर कि भाई ये बाइक कौन सी है कौन सी नहीं, कोई सुपर बाइक ही लग रही है, वैसे तो ये स्पोर्ट्स बाइक है बट जो साउंड है इसकी वो सुपर बाइक वाले निकल कर आ रही है। और अब यहाँ पर आकर इसकी वैसे तो मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब मिलाना चाहूँगा भैया से जिन भैया की ये बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा। तो देखो जी ये हैं इस बाइक के ऑनर दोनों भाई हमारे, तो सर कैसे हैं आप?
बिल्कुल बढ़िया। आप भी कैसे हैं और आप बताएं कहाँ से आए आप लोग? मैं फरुखाबाद यूपी से आया हूँ। और आप सर कहाँ से? दिल्ली से ही है। ये दिल्ली से है, एक्चुअली क्या रिलेटिव है जी। तो आपको फाइनली कैसा लगा ये बताइए, जो अच्छा सोच कर आए थे एग्जॉस्ट के बारे में, आपका मन था आते ही आपने कहा मुझे एग्जॉस्ट चाहिए, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है इसका, और जैसा हम सोच कह रहे थे वैसा ही लगा है, वैसा ही लगा है, बहुत अच्छा है, गुड। और किसी सामान के लिए आपको प्रेशर देंगे अभी, ये भी लगा वो भी लगा? कुछ भी नहीं, ऐसा जो मैंने लगाया अपनी इच्छा से लगाया, सब ऑल गुड है, बिल्कुल किसी में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं सामान के जो लगाया उसके अंदर? नहीं जी नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और आगे कब आना चाहेंगे दोबारा, जो बाकी काम पेंडिंग है आपका? वो आएंगे, जल्दी आएंगे, सर्विस होगी तभी आएंगे। भैया सर्विस के लिए आए थे आज स्पेशली, और अब दोबारा नेक्स्ट सर्विस में जब भी सर्विस होगी इसकी तो फाइनली। बट बाइक की सर्विस तो ठीक है, शॉप की सर्विस बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, राजू भैया की बहुत बेस्ट। तो थैंक यू सो मच सर, और बाकी कोई आना चाहे तो क्या रिकमेंड आप दोनों की? बिल्कुल मैं राजू भैया के यहाँ भेजूंगा, बहुत अच्छा काम होता है। हमारी रेटिंग तो भैया को 10/10 है, रेंटिंग भी लेते हैं, रेंटिंग भी लेते हैं, टेंशन मतलब एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर आप दोनों का आने के लिए। देखो ये तो थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, और ज़रूरी नहीं कि अप्रेलिया आपकी कोई सी भी सुपर बाइक हो, नॉर्मल बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिलेगा आपको आपकी शॉप राजू भाई की शॉप जो मिली दिल्ली करोल नायर के अंदर। और मेरी मिलेंगी आपको दो शॉप, एक मिलेगी आपको मेन रोड पर जो मिलेगी आर्य समाज रोड पर, ये शॉप मिल जाएगी आपको, एक हनुमान जी की मूर्ति मिलती है आपको मेन चौक पर जो कि मिलेगी आपको गोल चक्कर झंडे वाले मेट्रो स्टेशन अपोजिट, और वहाँ से मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस में मिलेगी आपको मेरी ये वाली शॉप पहले चौक पर, और दूसरी शॉप मिलेगी आपको सेकंड चौक पर जो कि मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर की दूरी पर दूसरी शॉप है मेरी। तो आपको टेंशन की बात नहीं है, जब भी आप आते हो करोलबाग के अंदर तो आप आ सकते हो अपनी अपनी शॉप पर। अगर वो एड्रेस नहीं मिलता ना आपको तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको मुझे कॉल करना है जो कि स्क्रीन नंबर फ्लैश रहा है 7822271714 नंबर पर, वो मेरा पर्सनल नंबर, आप कॉल कर सकते हो, आ सकते हो सीधा डायरेक्ट मेरे पास, लोकेशन मंगा सकते हो इजीली, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लोकेशन भी। और बाकी करना क्या आपको पता ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि इकलौती अप्रेलिया ऐसी है जिसकी मॉडिफिकेशन सबसे पहले हमने की, और ये है आपका इंडिया फर्स्ट एग्जॉस्ट जिसकी आप सभी को दरकार थी वो मैं ला चुका हूँ, तो आप समझ चुके हो। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, राजभाई जो मेरे यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।